चाची यहाँ पे बहुत खुश है और आज बहुत बड़ी झांकी निकल रही है और मैं रथ में दुर्गा माँ के साथ जा रही हूँ। यदि आप सचमुच प्राची को न्याय दिलाना चाहते हैं तो परंपरागत तरीके छोड़कर नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा। क्या हुआ नरसिंहराव जी? महाराज, हम और हमारे सैनिक प्रयास कर रहे हैं। कब तक प्रयास करते रहेंगे नरसिंहराव जी? समय बीता जा रहा है। महाराज, आप विश्राम कर लीजिए। यह विश्राम का समय नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ससुर राक्षस का हाथ से आगमा। तुम लोग बिकते हो और हम ब्रिटिशर्स खरीदते हैं, ये गंगाधर राव कैसे खरीदेगा? बहुत बड़ी गलती कर दी है जो तुम फिरंगियों के झांसे में आ गए। अगर मैं खुद ही महाराज के पास जाके क्षमा मांगू तो शायद मेरा दंड कम हो सकता है। वो तो तभी पॉसिबल है जब तुम इसके लायक रहोगे। I already warned you, don't do stupidity like this. How can you walk the streets of Jhansi? Do you know, if anyone recognizes you, then what would happen? वो ब्लडी इंडियन पैसे की ग्रीन में आ रहा था। He would have spoiled our plan. उसका सबक सिखाना। Just shut up and listen. Because of you and your faults, me and the whole East India Company will face problems. Your luggage will get packed up and you can get out of Jhansi right now. आदमी का देखे का पता नहीं कहाँ चला गया, लल्लन नाम है उसका। उपस्थित पंजीकरण के अनुसार 3 सैनिक रथ यात्रा वाले दिन मौजूद नहीं थे। उनके नाम है गिरधर, ललन और मुन्ना। कहाँ काम करते थे? वो महाराज के महल में ना चाकरी करे थे। कितनी बार मना किए रहे कि उन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन हमरी बिल्कुल नहीं। किन लोगों के चक्कर में? वो लोग जो है महाराज। महारानी, कभी ऐसे भी सोचिएगा कि स्वयं को दंड देने से दूसरों को भी दुख हो सकता है। संभवतः हमें आभास हो रहा है कि आपकी दृष्टि में हम इसके योग्य नहीं है कि इस हृदय विदारक घटना के बाद हम प्राची को न्याय नहीं दिला सकेंगे। नहीं महाराज, हमारा ये आशय नहीं था। कृपया अपनी लक्ष्मी बाई को समझने की चेष्टा कीजिए। परंतु हमें तो ये आभास हो रहा है कि भोजन न ग्रहण करके आप ये सिद्ध करना चाहती हैं। यदि हमारा आभास गलत है तो आप भोजन ग्रहण कर लीजिए।
महाराज, कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम स्वयं खा लेंगे। वचन। वचन। सुंदर। जी महाराज। जब तक महारानी भोजन नहीं कर लेती, आप यही रुके और उनका उनका ध्यान रखिएगा। जी महाराज। महाराज ने मुंह कर दिया जो हम सब में से कोई नहीं कर पाया, स्वयं भोजन न करके आपको भोजन करवा दिया। क्या महाराज ने भोजन नहीं किया? सुंदर जाओ, महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। जी। इतना रात हो गवा और तुहार बापू अभी तक घर नहीं आए। भगवान न करे कहीं उनके साथ कुछ। हमका तो लगता है कि लल्ला के बापू कोई बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। नहीं नहीं, हमका हमका कुछ करना पड़ेगा। हमको महाराज से मिलकर उनको सब बता दूंगा। हम महाराज को सब बता देंगे और महाराज हमारी मदद अवश्य करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ। उठ लल्ला, उठ। चल लल्ला। अरे ओ बहन। हाँ भैया। आपको आपका मर्द मिल गया? नहीं भैया। बहन आप बाजार में हमसे कुछ कहना चाह रही थी। हम कुछ बताना चाहते थे। देखो भैया हमें तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, दिन में हम बहुत से लोगों से पूछा था। अभी हम देखो भैया बहुत जल्दी में है। रुको, पहले ये बताओ तुम क्या बताना चाह रही थी। जाइए बहन। परंतु महाराज आपने हमारी दृष्टि में ललन एक महत्वपूर्ण सूत्र बनते हमें दिखाई दे रहा है। उसका ना लौटना इस बात का संकेत कर रहा है कि कोई ना कोई गंभीर समस्या अवश्य है। हमें इसमें एक गहरे षड्यंत्र की बुआरी रखना था। हमें ललन को तलाशना होगा। जी महाराज। बाबू क्या बात है भैया, इतनी रात को आसरा चाहिए का? ना भैया, वो कहा है कि हमारे महाराज गंगाधर राव के सैनिक हैं ललन जी, वो अपने घर नहीं आए हैं। आपने उनको कहीं देखा है क्या? ललन नहीं भैया, हमने तो एक सप्ताह से नहीं देखे रहे उसको। क्या करें महाराज, सभी घरों से नाम ही उत्तर मिल रहा है, अब ललन को कैसे ढूंढें? हम हमारा प्रयास नहीं छोड़ेंगे रघुनाथ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।